दोस्तों नमस्कार। ठिठुरती हैं सर्दियां, कांपती हैं हड्डियां, गरीबों की हड्डियां कांपती हैं, लोग भूखे मर जाते हैं, लोगों को खाना नहीं मिलता, मनरेगा में कोई गारंटी नहीं मिलती। लेकिन हम यहाँ एक ऐसी तस्वीर आपके बीच में लेके आए हैं जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी की एक ऐसे इतिहासकार से तुलना करती है जो बाकी में सेम सेम लगती है। बहुत सारी मतलब समानताएँ उनके बीच पाए जाते हैं। चलिए मैं डाल देता हूँ इस तस्वीर को। अब इस तस्वीर को आपने देख लिया होगा। इस तस्वीर को देखने के बाद आपके दिल में क्या क्या ख्याल आ रहे होंगे? बहुत सारे ऐसे भयानक ख्याल आ रहे होंगे जो लग रहा होगा कि अब चौथा या तीसरा वर्ल्ड वार होने ही वाला है। वो हो ही रहेगा, मोदी जी कम थोड़ी है हिटलर से यार। मोदी जी तो हिटलर से इतने आ गए कि हिटलर तो कुछ भी नहीं था। हिटलर तो गैस चैम्बर में डूब के मारता, इन्होंने तो वैसे लोगों को भूखा मार दिया शाहीन बाग। जैसे हमारे मोदी जी को सलाम, हिटलर की बराबरी कर ली हमारे मोदी साहब ने, उसको सलाम। मोदी जी ने इंडिया बदल दिया हिटलर की तरह, उनको सलाम। बारंबार नमस्कार। एक दुर्गा सप्तशती में एक वो होता है, क्या कहते हैं श्लोक, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। तो हिटलर को भी प्रणाम, स्वास्तिक को भी प्रणाम और मोदी जी को भी प्रणाम। अब आप बोल रहे होंगे मैं कहा कि बेतु की बात लेकर के आपके बीच में आ गया, क्या बोर करने चलाया, मोदी जी के बारे में आलतू फालतू बोलने क्यों चलाया? लेकिन मैं साहब आलतू फालतू बोले नहीं आया, क्योंकि स्वास्थ्य के निशान को प्रधानमंत्री मोदी जी के पूर्वज जो संघ के लोग थे उससे सहमत थे, हिटलर की विचारधारा से सहमत थे। आज जो मोदी के एक्शनों और स्टाइल है वो हिटलर साहब से प्रेरित है। आप उनकी भाव भंगिमाएं बहुत से मौकों पर ऐसा देख सकते हैं। जब एक तस्वीर ऐसा बोलती है कि हिटलर इज इक्वल टू मोदी, तो इसके मायने बहुत कुछ समझ में आते हैं। इसके मायने वो भी समझ में आते हैं कि यहां बहुत कुछ लोगों को डेस्टिनेशन सेंटर में गैस चैम्बर बना करके मारा जा सकता है। यही तो एनआरसी और सीए बिल का शायद कोई हिसाब किताब हो सकता होगा, क्योंकि बार बार गोल पोस्ट बदलना, चाहे नोटबंदी हो चाहे जीएसटी हो, नोटबंदी के बाद कई बार कानून बदलना, जीएसटी के बाद कई बार कानून बदलना, और अब एनआरसी और सीएसी लेके आने के बाद सारी चीजें चेंज करना धीरे धीरे, कभी एनआरसी को बोलना चलेगी, कभी बोलना कि नहीं चलेगी। बाकी में हिटलर से 10 कदम आगे हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, इनको कम मत आंकिएगा। हिटलर जैसे तो चेले रहते अगर मोदी जी उस जमाने में पैदा हो गए होते। एक्टिंग करनी बहुत जबरदस्त, चुनाव की रणनीति लिखनी बहुत जबरदस्त, अपने भाषणों का कॉन्टेंट लिखना बहुत जबरदस्त, सवालों को कैसे गुंडागर्दी में बदला जाए बहुत जबरदस्त। तो यही खूबियां हिटलर में नहीं थी जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी में। कौन कहता है प्रधानमंत्री मोदी जी किसी से कम है? हम किसी से कम नहीं, सीना चौड़ा के रहेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जी पर हमको भी गर्व रहेगा कि हिंदुस्तान को कम से कम हिटलर की अनुभूति करा दी। एक थोड़ा सा सेंस आता है ना, खुशबू आती है, वैसा एहसास करा दिया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को थैंक्स बनना तो बोलना तो बनता है ना, तो प्रधानमंत्री मोदी जी को थैंक्स जरूर बोलना। उनकी ये भाव भंगिमा संयोग है या प्रयोग, क्योंकि वो कुछ ऐसे वर्षों को बीच में लेके आते हैं किसी भी चीज को लागू करने से पहले कि संयोग है या प्रयोग। तो अब ये प्रयोग नहीं है भैया, ये संयोग ही है। अब झेले पूरा हिंदुस्तान प्रधानमंत्री मोदी जी को, मेरी जेब से क्या जाता है यार। दोस्तों नमस्कार, कैसा लगा ये वीडियो? प्रासंगिक लगा हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। फंस गए